कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो जय जोहार राम राम बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाई हमार छत्तीसगढ़ के बातें चल है वनों से आच्छादित हमार प्रदेश यहाँ के किस्म किस्म के धरोहर स्थल पर्यटन स्थल और कहे जाते छत्तीसगढ़ में गढ़ मा छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के उत्तर में अठारह शिवनाथ नदी के दक्षिण में अठारह है छत्तीसगढ़ माँ तंगमारियों छत्तीसगढ़ प्रदेश के नाम पड़े है, है। यानी यहाँ के किला मन है और यहाँ के जो गांव है तेरा छत्तीसठन बताए गए है वैसने एक ठन गांव एक ठन प्र... हमार प्रदेश के मयारू गांव है संगवारी हो जिला कथे धमधा और धमधा के नाम तो यहाँ के राजा विरी से और यहाँ गजब अकन पूरा तात्विक मंदिर तक है और ये ला धमधक नाम लेते हो होमर तो पुराना जो सियान मनते मन कहा है धमधा मतलब तालाब के गढ़ यहाँ गजब अकन छः कौड़ी छः अगर मैंने एक सौ छब्बीस तालाब यहाँ माने हो में बहुत से तालाब अभी आप मतलब दिख सकते हैं तो संगवारी हो ये तालाब के बारे में सुरता करत हन तो ता तालाब से जुड़े हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम बनायला हे जेल थे मछली पालन यानी तालाब में मछली पालन होते हैं तो कर वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे होना चाहिए ये विषय में आज हम चर्चा करबो चर्चा बाद में करबो पहली आप मन देखा ये खास संदेश आप लगा मैं बताना चाहता हूँ कि मक्का की जिन खेती के बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं ये किसान मनमर आर्थिक रूप से जिन है सहयोग करे पर बहुत अच्छा खेती है इमा लागत देखे जाए तो बहुत कम है और आमदनी लगभग दो से तीन गुना है किसान के और ग्रीष्मकालीन मक्का ला राज्य पोषित योजना अंतर्गत प्रोत्साहित करा थे किसान मन के बीच में और इसमें हम कि किसान मन जन अपन धान के फसल जन ग्रीष्मकालीन लगाते हैं और जगह म मक्का के आधुनिक खेती करें और अपन आमदनी ला बढ़ाएं ये सरकार राज्य सरकार के मंशा है छत्तीसगढ़ के जलवायु के अनुरूप मक्का बहुत उपयुक्त है यह आपके खरीफ के समय में भी लगाया जा सके थे और रवि के समय में भी और ग्रीष्मकालीन धान के बदला भी ये यहाँ बहुत अच्छा से जोते बोए के साथ और उत्पादन के रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं मक्का जिन्हें मूलता वैसे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में पहली बोए जाने वाला फसल रही से और यहाँ क्षेत्रीय भी स्वीट कॉर्न से लेके अगर आप मन, आ, मार्केट में मा देखूँ तो स्वीट कॉर्न के रूप में चाहे दाना के उपयोग हो चाहे बेबी कॉर्न के रूप में छोटे छोटे भुट्टा मन के उपयोग हो चाहे मूलता पूर्ण फल भी आज एक मार्केट में मा अगर हम ले जाते तो बीस रुपये से कम में एक मक्का के भुट्टा हमला आ, मार्केट में मा उपलब्ध नहीं हुआ है जेखर से किसान मन के आर्थिक आमदनी बहुत अच्छा बढ़ सकत है मान के चलते हम तो किसान भाई हो संदेश के बाद आवाओ एक गाँव फिर आप मन के स्वागत है ला शुरू करन तालाब में मछली पालन के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन हम कैसे करन आवाओ ये विषय में चर्चा करबो विशेषज्ञ के रूप में धमधा के पॉलिटेक्निक फिशरी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निरंजन सारंग जी आवत है और से सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है यहाँ के जो वातावरण है ओकर हिसाब से मछली पालन करे के कतिक संभावना है और मछली के का महत्व है एक आम उपभोक्ता ला खाने वाला भर अब ये किसान ला जो मछली बेचते तेकर भर का स्रोत है बतावा थे सारंग जी पहले तो आ, नमस्कार आ, आपका स्वागत करते हुए मैं बड़े हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन की संभावना एवं क्षेत्र आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही विपुल संभावनाएं हैं मछली पालन की और आप जानते हैं आप देखते हैं कि हर गांव में यहां पर तालाबों की भरमार संख्या है और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग अट्ठावन हजार चार सौ चार तालाब हैं और क्षेत्रफल की बात करते हैं लगभग चौहत् हज़ार 503 हेक्टेयर क्षेत्रफल है जो तालाबों को कवर करता है तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन की विपुल संभावना है और आगामी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन की संभावनाएं बढ़ती हैं खाद्य पदार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो मछली कुपोषण जो हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है उसमें महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है इससे छोटे छोटे बच्चों को यदि आप मछली से बने प्रोडक्ट या मछली खिलाते हैं तो कुपोषण दूर होता है दूसरा आ, किसान के लिए कम समय में और कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है जिससे उसकी आय में बढ़ोतरी होती है कह सकते हैं कि उनसे अन्य फसलों के बजाय मछली से दुगनी आय प्राप्त होती है लिए मछली पालन तो बहुत ही महत्व एवं अच्छा माना जाए किसान के लिए किसान भाइयों देखे हो कि कतेक महत्व है मछली के बोला आप सब जानते और सारंग जी बतावत रही से एक महत्व के बारे में गुणवत्ता तो के, के बारे में तो हम नान नार रहन तो हर घर के सिनमन तक मछली खवाए हमला यानी बच्चा मन ला कुपोषण झन हो जाए कमजोर झन हो जाए ओकर से मछली खवाए जाते और मछली के बात यदि करण संगवारी हो तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम उत्पादन होते हैं हम ज़्यादातर हमार भारत के दक्षिण क्षेत्र से और पश्चिम बंगाल है उड़ीसा है वहाँ से हम मछली मंगाथन एक अच्छा व्यवसाय शुरू करे जा सकते हैं आज के कार्यक्रम में यदि आप देखिए तब मछली पालन के संगवारी हो ये तो रही महत्व और संभावना के बारे में अब हम मछली पालन कौन कौन सा विधि से छत्तीसगढ़ में कर हन का का विधि है कैसे कैसे मछली पालन कर आव आवाओ बतावत है सारंग जी देखो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि मैंने बताया बहुत ही जलाशय हैं नदियां हैं तालाब हैं तो नदियों में मछली पालन अलग तरीके से होता है उसको हम कैप्चर फिशेज बोलते हैं और तालाबों में जो मछली पालन करते हैं उसको हम कल्चर फिश कहते हैं यानी इनपुट दे के हम मछली पालन करते हैं और बड़े बड़े जलाशयों में केज कल्चर विधि से भी आजकल बहुत तेज़ गति से हम मछली पालन कर रहे हैं तो फ्लोटिंग केज या स्थाई केज हम जलाशय में लगा देते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका साइज और लेंथ और उसमें हम मछली पालन करते हैं तो जलाशयों में फिशरीज तालाबों में मछली पालन और नदियों में मछली पालन अलग अलग विधियों से किया जाता है जो आजकल हम वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं इसमें तो तालाबों का जो आज का विषय है तालाबों में वैज्ञानिक विधि से मछली का पालन का प्रबंधन मछली पालन करने से पहले तालाब के चुनाव के लिए हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए Uh, सबसे पहले हम स्थान का चुनाव आपका स्थान जहाँ फार्म आप डेवलप कर रहे हैं विकसित कर रहे हैं वो शहर के पास हो या वहाँ आवागमन के साधन हो ऐसा नहीं आपने फार्म बहुत दूर एरिया में बना लिया और वहाँ साधन ही नहीं है तो सबसे पहले आवागमन के साधन और रोड हो और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो महत्व दो फैक्टर हैं एक तो पानी और एक मिट्टी पानी की उपलब्धता आ, वहाँ पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और मिट्टी मछली पालन के तालाब के अनुकूल होनी चाहिए तो अनुकूल का कोई पैरामीटर वैज्ञानिक विधि से हम काली मिट्टी होनी चाहिए जिसको हम किले सॉइल बोलते हैं क्योंकि वो चिकनी होती है और पानी को ऑब्जर्व करती है तालाब में पानी लंबे समय तक रहता है तो मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी क्ले होनी चाहिए उसका पीएच 7.5 होना चाहिए ऐसे ही पानी की उपलब्धता और पानी की गुणवत्ता दोनों अच्छी होनी चाहिए पानी उपलब्ध हो और गुणवत्ता वाला नहीं हो तो बेकार है तो पानी की गुणवत्ता उसमें हम पानी का आ, आ, वैज्ञानिक विधि से पीएच देखते हैं तो पीएच 7.5 पॉइंट फाइव होना चाहिए एसिडिक नहीं होना चाहिए सेलाइन नहीं होना चाहिए तो ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं सॉइल मृदा और पानी हम तालाब का जब निर्माण करते हैं तो हमें मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए आ, अलग अलग तालाबों की आवश्यकता होती है ठीक है एक तो होता है नर्सरी पाउंड एक होता है आ, रियरिंग पाउंड और एक होता है उत्पादन पाउंड नर्सरी पॉन्ड ये होता है जिसमें हम मछली का हैचरी होती है हैचरी की मछली मच्च, को इंजेक्ट करते हैं और तो उससे स्पॉन्ड निकलता है उसको डालते हैं और इस्पोन् से बड़ा करके फ्राई बनाते हैं फिर उस फ्राई को हम संवर्धन में डालते हैं वहाँ फिंगर लिंक बनता है और फिंगर लिंक को हम मछली का बीज कहते हैं इसलिए ये तालाब भी बहुत महत्वपूर्ण है नर्सरी पॉन्ड संवर्धन और फिर उत्पादन जहाँ से हम मछली का स्टॉक करते हैं उसको हम स्टॉक पॉन्ड भी कहते हैं और वहाँ से उत्पादन लेते हैं तो इनके प्रबंध इनको बनाने के लिए साइज मछली का पौंड का क्या साइज होना चाहिए क्या गहराई होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है तो वैज्ञानिक विधि से मछली का जो तालाब है उसका गहराई 1.5 मीटर होना चाहिए जिसमें पाँच छः फिट पानी आराम से भरा रहे और जैसे मैंने चर्चा की मिट्टी दोमट होनी चाहिए दूसरा उसकी लंबाई चौड़ाई इसका नर्सरी और रियरिंग पॉइंट का पॉइंट टू हेक्टेयर होता है और स्टॉक पॉइंट का एक हेक्टेयर या फिर आपकी आवश्यकता अनुसार जितना आप चाहते हो उतना बढ़ा सकते हैं उसको किसान भाई आप मन देखे सारंग जी कहा से कि तालाब में मछली पालन कर सकता हो अब जैसे कि एक ठन हमार नाम लेथन घर गांव मन में तरियरी थे वहाँ नहाथन पशु मल्लवी नहा थन उहे पानी पलोथन उहे सरी काम करथन वहाँ भी मछली पालन होते और पोखर में मछली पालन होते बड़े बड़े बांधम मछली पालन होते आजकल एक ठन नवा विधि आ है बायोफ्लॉग यानी टंकी बना के भी मछली पालन होते ये विधि है अलग अलग प्रकार के मछली पालन करे के तक कोनो भी विधि में आप मन करो जिसे हम आज तालाब के बारे में चर्चा करबो तो मछली के बीजा हम कहाँ से नानबो प्रमाणिक बीज हम लोग कैसे मिली कौन कौन सा प्रकार के मछली पालन हम कर सकते हैं और लाने के बेरा परिवहन के बेरा हम कैसे नानबो कैसे सावधानी रखबो आओ का कहा थे सारंग जी है। देखो संगवारी हो बीज अपने छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपको पता होगा हम पहले उड़ीसा पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश इन पर डिपेंड हुआ करते थे यहाँ से हम बीज लाते थे तो बीज में वो मिक्सिंग कर देते थे कटलर रो मिर्गल की जगह वो कुछ और दूसरी फीस दे देते थे तो सीड का क्वालिटी नहीं मिलता था लेकिन आज हम छत्तीसगढ़ सीड प्रोडक्शन और मत्स्य पालन में बहुत अच्छे स्थान पर है पाँचवा स्थान पर और आज अपना हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो बीज आप लें वो सरकारी एचरी से प्राप्त करें और सर्टिफाइड सीड लें आप कटला रो मिर्गल आपको रायपुर में मछली पालन विभाग का हेचरी है वहाँ पर मिल जाएगा आपको धमतरी हेचरी है वहाँ पर मिल जाएगा कवर्दा लगभग लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसका सीड प्रोडक्शन का हेचरी होता है लेकिन ये चार पांच हेचरी पॉपुलर हैं और यहाँ से हम प्रोडक्शन उत्पादन के लिए सीड लाते हैं जब हम परिवहन की बात करते हैं तो सीड पूरा ज़िंदा रहे और क्वालिटी वाला बना रहे उसके लिए हम वहाँ पर पैकिंग करते हैं और पैकिंग में हम ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन डालते हैं और एयर टाइट पोलिथीन से पैक करके उसको स्थानांतरण करते हैं और ये ऑक्सीजन इसमें कंपलसरी है डालना क्योंकि ऑक्सीजन नहीं डालेंगे तो ट्रांसपोर्ट में आपके मछलियों का बीज मर सकता है जिससे हमें हानि होगी इसलिए हम उसमें एयर टाइट पॉलिथीन में ऑक्सीजन डालकर और उसको हम स्थानांतरण करते हैं लो, और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सीरियस किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे न्यू लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर मेरे साथ बोलो A, A, B. A, B. अरे नादान बच्चे को एबीसी सिखा रहा है अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा ये देख विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है एसी एबीसी एसी एबीसी जी हाँ ए सी ए बी सी यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर छत्तीस से चौवालीस प्रतिशत तक की सब्सिडी भी मिलेगी तब तो मैं जरूर सीखूंगा धंधे की एबीसी शाबाश चलो छो अपना स्वरोजगार खेती में हो विकास अपार अरे हर वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है तो हर को आ, एक कारण मेरे लिए लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ किसान भाइयों ये तो रही मछली पालन करे बर हमला बीच के चयन करना है कौन कौन सा बीजा के नानना है कैसे नानना है कैसे परिवहन करना है तालाब बनाना है संगवारी हो मछली पालन करे और बीजा लाने चले ओकर पहली हमला तालाब के निर्माण करना है ओमेर का का बात के हमला ध्यान दे पड़ी तालाब निर्माण करे के बेरा वो जगह कैसे होना चाहिए काका सुविधा हमला मिलना चाहिए तालाब निर्माण में और तालाब निर्माण हम कैसे करन कत का गहरा कत का पानी डालन ले बतावा थे आप मन देखो तालाब में वैज्ञानिक प्रबंधन से हम मछली पालन करते हैं तो आ, कुछ बिंदु हैं जिनका विशेष ध्यान रखते हैं क्या? आ, जैसे हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन के दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं तो मछली का बीज डालने से पहले का प्रबंधन जिसको हम प्री मैनेजमेंट बोलते हैं और एक मछली का सीड डालने का प्रबंधन उसको पोस्ट स्टोकिंग प्रबंधन बोल मैनेजमेंट बोलते हैं तो प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट यानी मछली का बीज डालने से पहले तालाब में हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है जैसे हम खेत में बरसात से पहले हल चलाते हैं तो हल चलाने से वहाँ के कीड़े मकोड़े मई के महीने में जो जोत लगाते हैं खेत में वो इसलिए लगाते हैं कीड़े मकोड़े मर जाएं ज़मीन का मुँह खुल जाए ऐसे हमारे तालाब में भी हम मार्च के महीने में से लेकर मई के महीने तक तैयारी कर सकते हैं मोस्टली मार्च में तालाब सूखने लग जाता है और अप्रैल में कम्प्लीटली तालाब सूख जाते हैं जैसे हमारे यहाँ इस फार्म पर भी ये सूखा हुआ तालाब है इस, इसका हम तैयारी कर रहे हैं इसमें हम सबसे पहले साफ सफाई करते हैं अन्वांचनीय पौधे हैं उनको निकाल देते हैं और अच्छी तरह साफ सफाई करके फिर उसमें हम उसको जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद उसमें हम गोबर की खाद डालते हैं फर्टिलाइज मैं यहाँ थोड़ा एडवाइज़ करता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज ना डालें तो अच्छा है क्योंकि तो ऑर्गेनिक खाद यदि आप डालेंगे तो मछली पालन के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो गोबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद डालते हैं उसके बाद तालाब में फिर हम लाइमिंग करते हैं लाइमिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और आमतौर पर इसे किसान नहीं करता है लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को या मत्स्य कृषकों को निवेदन करता हूँ कि लाइमिंग तालाब में अप्रैल और मई के महीने में एक बार जरूर करें लाइमिंग कोई विशेष टेक्नोलॉजी नहीं है ये बुझा हुआ चूना होता है मार्केट में बाज़ार में मिलता है हमें उस बुझे हुए चूने को तालाब में डालना है और उसका डालने का रेशो हमें तालाब की मिट्टी का जो पीएच होता है उसके आधार पर हमें डालते हैं यदि पी एच सेवन पॉइंट फाइव पी एच है सात पॉइंट पाँच यदि मिट्टी का पी एच है तालाब का पी एच है तो हमें दो से तीन सौ के जी चूना पर हेक्टेयर तालाब में डालना चाहिए यदि पी एच है यानी छः से नीचे है तो हमें उस चूने की मात्रा बढ़ा देते हैं फिर हमें तीन छः से, से चार सौ डालना होता है और यदि चार से कम है तो हम उसमें से पाँच छः सौ आठ सौ के जी चूना पर हेक्टेयर डालते हैं तो ये लाइमिंग एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है वैज्ञानिक विधि है इससे तालाब में आपको डालने से मछली जब आप पाल सीड डालोगे और सीड डालने के बाद में जो पानी में जो हरापन कलर होता है जो मछली का भोजन होता है प्लैक्टॉन वो डेवलप होते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के जो वायर बैक्टीरिया हैं वायरस हैं उनको ख़त्म करता है तो लाइमिंग बहुत अच्छी एक तरीका है विधि है इसको अपनाना चाहिए दूसरा अनवांटेड मछलियाँ हैं उनको हटा देना चाहिए इंसेक्ट हैं उनको हटा देना चाहिए फिर आप इसमें तालाब में पानी जैसे जून का महीना आता है तालाब में पानी आ जाता है पानी आने के बाद में फिर हम सीड स्टॉक करते हैं और जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया क्वेश्चन किया कि सीड कहाँ से लाते हैं कहाँ छोड़ते हैं वो मैं बता चुका हूँ और हमें सर्टिफाई सीड लगभग आठ हज़ार से दस हज़ार फिंगर लिंग पर हेक्टेयर बीज स्टॉक करना चाहिए यदि हम कटला रोहू मिर्गल का उत्पादन कर रहे हैं इसके बाद हमने स्टॉक किंग कर दिया ये फ्री स्टॉकिंग के फिजेज हैं जो हमें बताए अब ये आश्चर्यजनक होता है जब हम किसानों से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि मछली को खाना दिया वो बोलते हैं सर मछली भी खाना देना पड़ता है तो मछली को भी खाना चाहिए यदि मछली का हमें ग्रोथ लेना है तो मछली को सप्लीमेंट्री फीड हम देते हैं और सप्लीमेंट्री फीड आजकल बाजार में रेडीमेड मिलता है आप भी बना सकते हैं घर पर उसमें कोई विशेष कंपोनेंट नहीं होते हैं आपका राइस मिल कुछ केक्स होते हैं जैसे सरसों की खली मूंगफली की खली इनको एक कंपोजिशन में बनाकर हम सप्लीमेंट्री फिट तैयार कर सकते हैं वैसे आजकल बाज़ार में रेडीमेड मिलता है तो वो आप समय समय पर मछलियों को आ, खाना अवश्य खिलाएं तो संगवारी हो ये तो रहीस मछली पालन के प्रबंधन तालाब में कैसे होना चाहिए अगर बारे में हम जानकारी ले हन अब बेरा हो गए संगवारी एक ठन मनोरंजन के तो मनोरंजन कैसे हो जाए गीत संगीत देखे जाए भवानी माता मोर किसान भाई हो ये तो रहीस छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति पर आधारित हर गीत संगीत और मछली पालन में तालाब के प्रबंधन हम कैसे करें वैज्ञानिक विधि से ये विषय चर्चा करें आप मतलब बने लागी सो ही हमारे कार्यक्रम हाँ तो आप चिट्ठी पाती लिखो हर ये पता माँ कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड है चार नौ दो शून्य शून्य सात अवैया बेरा संगवारी हो आप मन संग फेर में आहूँ गोड़ बात करे बड़ा हूँ ये एक नवा विषय और नवा किसान वैज्ञानिक मन से भी गोड़ बात कराबो तब तक मोला देवा विदा राम राम